और हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, जो लगातार इस पूरी मिस्ट्री पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक जानकारी एक एक पहलू आप तक लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ उमेश पाठक जुड़ गए हैं, हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं। हम ये तमाम रिपोर्टर हमारे लगातार ये बता रहे थे कि किस तरह की ये पूरी साजिश थी, एक एक पक्ष एक एक जानकारी। जितेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है, उमेश हमारे साथ मौजूद है और अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। तो ये उमेश आपके पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगी, ये चिट्ठी अब सामने आ चुकी, उमेश से हमारा संपर्क टूट गया, वापस उनके पास जाएंगे। लेकिन अभिषेक, यही वो चिट्ठी है, यही वो सबसे बड़ा सबूत है जिसमें वजह भी बताई है उन्होंने, जिसमें कौन जिम्मेदार है ये भी बताया है और कौन मठ को आगे चलाएगा इसका भी जिक्र किया है। तो पूरी तरह से उन्होंने हर बात इस चिट्ठी में लिख दी है। तो सबसे बड़ा सबूत यही है जो इस वक्त हम टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए इसमें उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है और एक एक चीज़ लिखी है। इसका भी जिक्र किया है कि उन्होंने एक बार और आत्महत्या करने की कोशिश की थी लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। और एक बड़ी बात ये लिखी है कि उनकी फ़ोटो फोटोशॉप करके किसी के साथ जोड़ दी जाएगी और इससे उनकी जो बदनामी होगी उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आत्महत्या करने जा रहे हैं। और साथ में उन्होंने जो रविंद्र गिरी जी हैं वो निरंजन अखाड़ा के हेड हैं, उनको कहा है कि वो इस बात को मुकम्मल करें कि जो उनकी मांग है, जो उनकी सोच है वो पूरी हो, उनकी समाधि की व्यवस्था हो, ये सब उन्होंने उनके सुपुर्द किया है। तो सारी चीज़ें बताई हैं और आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है बिल्कुल वो भी उन्होंने बताया, और ये भी कहा है कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन साफ साफ यहाँ पर इन्होंने अपने लेटर में लिखा है नरेंद्र गिरी ने कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। और ये माने कि ये अगर ये साबित होता है कि लेटर उन्होंने ही लिखा है जिसकी जाँच चल रही है, तब तो ये केस बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम सबूत इस पूरे केस के अंदर होगा, अगर हैंडराइटिंग ये अगर ये साबित हो जाती है कि महंत नरेंद्र गिरी की है, तो सीधे तौर पर अगर हम कहें तो दोषी आनंद गिरी, इसके अलावा आद्या तिवारी और उसका बेटा संदीप तिवारी होगा, क्योंकि तीनों के नाम खुद महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी चिट्ठी के अंदर लिखे और साफ तौर पर इन तीनों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। साफ तौर पर लिखा गया कि किस तरीके से इन तीनों ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया, किस तरीके से उनकी फ़ोटो को मॉर्फ करने की कोशिश की गई, वो डरे हुए थे। उस चिट्ठी के अंदर साफ तौर पर वो लिख रहे हैं कि मैं डरा हुआ था, मुझे लग रहा था कि एक दो दिन के अंदर महंत जो आनंद गिरी है वो मेरी फ़ोटो को बाहर लीक कर देगा और मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा, मुझे अपनी गरिमा की चिंता है, मैं अपनी गरिमा को नहीं खोना चाहता हूं। तो इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने इन चिट्ठी के अंदर लिखी जो साफ तौर पर साबित करती है कि आनंद गिरी, इसके अलावा आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, ये तीनों ही जो आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ उसमें सीधे तौर पर आरोपी हैं। जी, और हमारे साथ उमेश भी जुड़ गए हैं एक बार फिर। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो सबसे बड़ा सबूत है अभी तक जिसकी तफ्तीश ये भी की जा रही है कि ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है या नहीं, और इसमें जो बातें उन्होंने लिखी हैं उनकी उनको किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के साथ जोड़ा जाए, जो पूरा केस है उसके साथ जोड़ा जाए, पुलिस की जो जांच है अभी क्या वो इस सुसाइड नोट के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी इस सुसाइड नोट की सत्यता को लेकर इसको कैसे जांचा जा रहा है, इस दिशा में क्या कुछ किया गया है अभी तक? देखिए सुमेरा, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही कि वो लिखते कम थे, तो ऐसे में उन्होंने अपना एक वीडियो भी बनाया है, फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है वीडियो को भी, और साथ ही साथ भेजा गया है इस लेटर को भी, जो सुसाइड लेटर है उसको भी भेजा गया है। लेकिन शायद उनको ये अंदाज़ा था कि लोग इस तरह की बातें करेंगे कि वो लिखते कम हैं, तो ऐसे में आठ पन्ने का जो सुसाइड लेटर है वो आखिर कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जो वीडियो फिलहाल पुलिस के पास रोकूंगा आपको। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।